हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यानी कि वो क्या क्या काम करती है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये एक ओवरऑल मैक्सिमम ये आज फिनिश हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज का, नहीं तो ये कल शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे केंद्रक के बारे में, कि केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है, क्या होता है। आपके जो ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो वीडियोस जो है उसको मिस मत करना। मैं सच्ची बता रही हूँ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है केंद्रक के बारे में पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम केंद्रक से कोरिलेट होती हैं। चलिए आइए हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से गुण हैं, उनके जो गुणधर्म है वो क्या है। तो सबसे पहला जो गुणधर्म आता है वो आता है परमीएबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, पारगम्यता। पारगम्यता क्या होती है, चीजों के आर पार जाने की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पारगम्यता बोलते हैं, यानी कि परमीएबिलिटी बोलते हैं। परमीएबिलिटी का मतलब बहुत सिंपल सा यहाँ पे ये है कि यानी कि परमीएबिलिटी एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो है क्या चीज। परमीएबिलिटी का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर आसानी से यहाँ पे क्या हो रहा है, आवागमन हो रहा है, यानी कि जो आपकी प्लाज्मा कला जो होती है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमीएबल होती है। ठीक है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यहाँ पे एक वर्णात्मक अवशोषण होता है चीजों का, ठीक है, चयनात्मक यहाँ पे पारगम्य होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज चयनात्मक पारगम्य का मतलब, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कोई भी चीज जो है, जैसे कुछ चीजें जो होती हैं जो आसानी से कोशिका के अंदर आ सकती हैं, जैसे कि आपका पानी हो गया, पानी के साथ घुले हुए कोई मिनरल्स हो गए या कोई गैसेस हो गई, समझना इस चीज को। परमीएबल क्या क्या होंगे यहाँ पे, जो आसानी से अंदर आ सकते हैं, पहला तो हो गया आपका वाटर और दूसरा हो गई आपकी गैसेस। ठीक है, गैसेस में भी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो चीजें हैं परमिएबल होती हैं। अब याद रखना इस बात को, भूलना मत कि जो कोशिका भित्ति जो होती है, यानी कि जो आपकी सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल तो परमिएबल ही होती है, हर किसी के लिए ये परमिएबल होती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है ये सिलेक्टिवली भी होती है परमिएबल, सेमी परमिएबल भी होती है, परमिएबल भी होती है और इम्परमिएबल भी होती है। ये अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये तो क्या हो गई, कि ये परमीएबल हो गई ये सब्सटेंसेस, ठीक है, और अगर मैं ये बोलूं इम्परमीएबल में यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा। इम्परमीएबल के अंदर यहाँ पे अगर आपके प्रोटीन्स हो गए, फैट हो गए, या कुछ तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्ब्स हो गए, तो ये चीजों को आसानी से इनका अवशोषण नहीं होता है। ठीक है, तो अब इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ये कुछ विशेष तरह से होता है, जिनको आगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। तो ये कोशिका की मेन चीज है, यानी कि परमेबिलिटी। अब यहाँ पे इसके जो पारगम्यता होती है कोशिका की, अब यहाँ पे विभिन्न तरह की क्रियाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बहुत सारी चीजों का आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, दो मिनट के लिए इसको लिख लो, है ना, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो ये है कि पारगम्यता के अंदर हम ये चीजों के बारे में बात करते हैं कि कोशिका के अंदर भी चीजें आ सकती हैं या कोशिका के बाहर भी जा सकती हैं चीजें। तो यहाँ पे इसकी परमेबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है,
और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। मतलब क्या हुआ इस चीज का, कोशिका के अंदर किसी चीज का आना, यानी कि कोशिका के अंदर आना किसी भी पदार्थ का हो सकता है, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका के बाहर जाना। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें हो गई, कोशिका के अंदर आना और कोशिका के बाहर जाना। कोशिका के अंदर आने वाले प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, और कोशिका के बाहर जाने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। जो एंडोसाइटोसिस होता है उसको भी हम आगे दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है, और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी सॉलिड चीज का अंदर आना, कोई भी सॉलिड चीज अगर कोशिका के अंदर आ रही है तो उसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, और कोई भी चीज, कोई लिक्विड चीज जो है, अगर वो कोशिका के अंदर आ रही है, कोई भी लिक्विड चीज जो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है, और कोशिका से बाहर कोई भी चीज जा रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इसको हम बोलेंगे कोशिका शयन, और इसको बोलेंगे कोशिका पायन, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्लियर। तो ओवरऑल जो ये परमेबिलिटी है, इसको हम इस चीज से भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। इसके लिए हमने दो टर्म बनाई हैं, एंडोसाइटोसिस मतलब कोशिका के अंदर आना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका के बाहर जाना। अंदर आने को हम क्या बोल रहे हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई भी अगर सॉलिड चीज अंदर आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। कोई भी लिक्विड चीज अंदर आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। और कोशिका के बाहर कोई चीज जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल कोशिका के अंदर इस तरह से बहुत सारा निष्क्रिय परिवहन, जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, जहां पे किसी तरह की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए इसको मिटा दे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो हम लोग जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि कोशिका के अंदर एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, परासरण, ठीक है। परासरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी चीज अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है, लेकिन अगर वो कोशिका के अंदर जा रही है, जो आपकी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यानी कि चयनात्मक जो आपकी झिल्ली है उसमें, या फिर अगर मैं ये बात करूँ कि अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें से आपके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अगर चीजें गमन कर रही हैं, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मान लो ये जो है एक सेल है, कोशिका है, ठीक है, और ये जो है इसको हमने बोला अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहां पे पानी की कंसेंट्रेशन जो है वो कैसी है, ज्यादा, ये क्या है, H2O, और यहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन कम है, तो ये कहाँ जा रहा है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, किससे जा रहा है, ये जा रहा है अर्ध पारगम्य झिल्ली में से, तो इसी चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया, परासरण नाम दिया। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसको हम आगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है बाह्य परासरण,
जिसको हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, एक होता है अंतःपरासरण, इसको हम बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। तो ये दो चीजें हुई। अब इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक शुगर सॉल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे, शुगर सॉल्यूशन। अब इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे अंगूर रख दिया। तो थोड़ी देर बाद जो अंगूर है वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। ठीक है, इस तरह से पिचक जाएगा। क्यों पिचक जाएगा, क्योंकि इसके जितने भी वाटर कंटेंट थे, शुगर सॉल्यूशन बाहर है तो जितने भी यहाँ पे कंटेंट थे, वाटर कंटेंट थे, वो सारे बाहर निकल गए। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाह्य परासरण, यानी कि पानी का बाहर जाना, तो वो क्या कहला रहा है, बाह्य परासरण कहला रहा है। सेकेंड चीज में अगर हम लोग देखें तो हमने क्या किया, पानी ले लिया, ये क्या है, ये क्या है अपना वाटर। ठीक है, वाटर ले लिया हमने और इसके अंदर हमने किसको रख दिया, किशमिश को रख दिया। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, किशमिश जो है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो किशमिश आपने रखा था, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये जो किशमिश है ये फूल जाएगी। तो अब पानी जो है वो कोशिका के अंदर की तरफ जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, परासरण के द्वारा जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग अंतःपरासरण बोलते हैं। दोबारा से मेरी बात ध्यान से समझ लेना कि कोशिका के अंदर कोई चीज आ रही है या कोशिका के बाहर कोई चीज जा रही है। कोशिका के अंदर कोई चीज आ रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, कोशिका के बाहर कोई चीज जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, कोशिका के अंदर कोई चीज आ रही है तो उसको हम बोलेंगे अंतःपरासरण, यानी कि एंडोऑस्मोसिस। कोशिका के बाहर कोई चीज जा रही है तो उसको हम एक्सोऑस्मोसिस यानी कि बाह्य परासरण बोलेंगे। तो परासरण एक ऐसी क्रिया होती है जो कि यूजुअली हमारी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा इसका, और एक बार देख लो। ओके, सो अब इसके बाद में एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय अभिगमन। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हमने बोला पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि निष्क्रिय अभिगमन। निष्क्रिय अभिगमन क्या होता है, समझो इस चीज को, जहां पे किसी तरह का कोई खर्चा नहीं हो रहा है, कोई एटीपी खर्च नहीं हो रहे हैं, और फिर उसके मतलब जो अपनी ग्रेडियंट है, अपना जो उनका ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंगली चीजें अंदर की ओर आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निष्क्रिय अभिगमन बोल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कोशिका के अंदर लगभग 7 एमस्ट्रॉन्ग की, सॉरी 7 एमस्ट्रॉन्ग के यहाँ पे क्या उपस्थित होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं। 7 एमस्ट्रॉन्ग के यहाँ पे बहुत सारे छिद्र उपस्थित होते हैं, और इन छिद्रों की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि आवागमन होता है, चीजें जो होती हैं वो अंदर बाहर आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो निष्क्रिय जो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो आपका निष्क्रिय अभिगमन जो होता है, निष्क्रिय अभिगमन यानी कि जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे किसी तरह के एटीपीज जो होते हैं खर्च नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि एक चीज और होती है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं सुगमित विसरण, ठीक है, सुगमित विसरण को क्या बोलते हैं हम लोग, सुगमित विसरण को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब जो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है यानी कि जो सुगमित विसरण जो होता है,
ठीक है, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो आसानी से कोशिका के अंदर नहीं आ सकते। दोबारा से मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो आसानी से कोशिका में नहीं आते आ सकते हैं और वो कोशिका को चाहिए। ठीक है, मतलब उनकी जो मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा कोशिका को चाहिए। तो कोशिका को क्या करती है, यानी कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है कि एक चैनल बना लेती है और उस चैनल से इजीली जो है उन कार्बनिक पदार्थों का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कोशिका के अंदर हो जाता है। ठीक है, यानी कि बड़े अणु जो है वो धीरे धीरे बॉन्डिंग करते हुए, बंध बनाते हुए बाहर से अंदर की ओर पहुंच जाते हैं और इस तरह के जो गुण होता है सुगमित विसरण का, यानी कि फैकल्टेटिव डिफ्यूजन का, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे सुगमित विसरण में और निष्क्रिय अभिगमन में, ठीक है, यहाँ पे नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इन दोनों में ही किसी भी तरह की कोई भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस बात को फिर से समझ लीजिएगा, सुगमित विसरण में क्या हो रहा है, भाई कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कोशिका को चाहिए होते हैं, अब जितना मिश्रण हो सकता था उतना हो गया, अब क्या करेगी कोशिका, अब इसको अंदर की ओर लेगी। ठीक है, अब जब कोशिका इसको अंदर की ओर लेगी तो यहाँ पे वो जो कार्बनिक पदार्थ है वो धीरे धीरे बंध बनाते हुए एक धीरे धीरे डिफ्यूजन के साथ में अंदर की ओर पहुंच जाएंगे और इस तरह का विसरण क्या कहलाता है, सुगमित विसरण कहलाता है। अब यहाँ पे ओवरऑल एक तरह के प्रोटीन होते हैं जिनको हम विशिष्ट वाहक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट वाहक प्रोटीन, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम ही यही होता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन करने का, यानी कि इजीली यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस के बारे में हम लोगों ने बात करी है, निष्क्रिय अभिगमन क्या होता है या फिर फैकल्टेटिव डिफ्यूजन क्या होता है। कल इसको फिनिश करते हैं कि सक्रिय अभिगमन क्या होता है और इसका महत्व क्या क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में कल खत्म करके और कल ही हम लोग स्टार्ट करते हैं केंद्रक का बारे में, कल स्टार्ट कर देंगे, चिंता मत करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, कीप स्माइलिंग।